हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट 5। आज हम टोटल 4 फाइलम जो है वो कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जहां पे हमारी फाइलम होगी अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। अगर मैं नीट में बात करूँ तो यहाँ से नीट 2013, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से आया हुआ है, क्या वो एनसीईआरटी से आया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन साथ के साथ में टॉपिक वाइज। ओके, इसके अलावा जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन सभी की एक्चुअल इमेज भी हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फाइलम आज के लिए जो है वह है फाइलम अर्थ्रोपोडा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिंक है ये चैप्टर। ओके, आपको पूरा जो प्लेलिस्ट है उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ओके, अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप जो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जाके देख लेना, वहाँ पे आपको एनिमल किंगडम से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। यानी अगर हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सी है, जितनी भी हमने फाइलम पढ़ते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सी है, तो वो लार्जेस्ट फाइलम है अर्थ्रोपोडा। अब ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, देखिए, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर अर्थ्रोपोडा। इसीलिए है क्योंकि जितनी भी स्पीसीज को अभी तक हमने डिस्कवर किया है उनमें से 2/3 जो है वो केवल और केवल अर्थ्रोपोडा है। मान लीजिए कि अगर हमने अभी तक टोटल केवल 30 स्पीसीज को अगर हमने डिस्कवर किया होता, ओके, तो उसमें से 20 जो है वो क्या मिलते हैं हमें, अर्थ्रोपोडा मिलते हैं। यानी 30 में से 20 जो है वो केवल और केवल अर्थ्रोपोडा मिलते हैं। ओके, इसीलिए जो है इसको बोला जाता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम। ओके, आगे लिखा हुआ है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव बायलेटरली सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेटिक एनिमल्स। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यहां पर। ये सब कुछ हमने बात किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने बात की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ पे अब जो भी फाइलम है ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कई सारे ऑर्गन जो मिलकर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। बायलेटरल यहाँ पे सिमेट्री मिलती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट है। ओके, एस्कल्मेंथीज के आगे जितने भी फाइलम है वो सारे के सारे क्या है, सिलोमेट है। बट यहाँ पे ये सेगमेंटेड है, बॉडी कैसी है इनकी, सेगमेंटेड है। ये सब कुछ जो पॉइंट्स है वो हमने जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन था वहां पर ये सारे डिस्कस किए थे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हम इनको डिटेल में एक एक को नहीं करेंगे क्योंकि हर फाइलम में ये रिपीट होते हैं। अगर लिखा है द बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, एंडोस्केलेटन होता है, इनसाइड होता है। जैसे हमारे अंदर जो बोन्स है, ओके, बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ पूरा स्केलेटन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर है, इनसाइड है, तो उसको बोलते हैं क्या, एंडोस्केलेटन। बट यहाँ पे जो स्केलेटन सिस्टम है ना वो एक्सो है, मतलब बाहर है। जैसे हमारी स्किन है ना, जैसे हमारी ये स्किन होती है, ओके, पूरे बॉडी को कवर करती है, वैसे इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना वो बाहर होता है, पूरी बॉडी को कवर करता है बाहर से। ओके, उसको बोलते हैं क्या, एक्सोस्केलेटन। और वो बनता किससे है, वो बनता है काइटिन से। जैसे हमारे अंदर बनता है ना बोन्स एंड कार्टिलेज से, यहाँ पे वो जो केमिकल्स होता है वो क्या होता है, काइटिन होता है। काइटिन और किस में था, कौन से जो हमारे किंगडम थे उसमें आ चुका है काइटिन नाम, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना। आगे देख लेते हैं, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। यानी इनकी जो बॉडी होती है ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो बिल्कुल आगे वाला पोर्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं हेड, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है उसको बोलते हैं थोरेक्स, और वो जो लास्ट वाला पोर्शन बच जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, एब्डोमन। तो यहाँ पे ऐसे पोर्शन चलते रहते हैं कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, ये थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। चाहे इसके अंदर बात करें तब भी हमें जो है वो ऐसा ही मिलेगा, इसके अंदर बात करें तब भी जो हमें ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन जो है वो थ्री पार्ट्स हमें मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं, अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें। अब अर्थ्रोपोडा नाम क्यों रखा गया, इसमें हम इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लिखा हुआ देखिए, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिसेस। क्योंकि यहां पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अपेंडिसेस क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिसेस। तो अर्थ्रोज और पोडा यानी जॉइंट अपेंडिसेस, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अर्थ्रोपोडा।
ओके। अब जॉइंट अपेंडिसेस का मतलब होता है जो हाथ और पैर होते हैं उनमें से जॉइंट से होते हैं, ओके। जैसे हमारे हैंड में यहाँ पे एक जॉइंट है ना, ये वाला, ये एक बीच में जो जॉइंट आता है, हाँ ये ना, तो ऐसे इनके जो पैर या हाथ जो भी बोलो आप, तो इनके जो भी ये अपेंडिसेस होते हैं इनमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे जॉइंट है, तभी जो है वो अलग अलग जो मूवमेंट है अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे भी आप देखोगे आपको क्या मिल जाएगी, बहुत सारे जॉइंट्स मिल जाएंगे इनके अपेंडिसेस में। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा बोला जाता है, क्योंकि अपेंडिसेस में जॉइंट होते हैं। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, जी नहीं। गिल्स और बुक गिल्स कहाँ पे मिलते हैं, गिल्स उनके अंदर मिलते हैं जो एक्वेटिक के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें हमें मिलते हैं गिल्स, ओके। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे अर्थ्रोपोडा हो सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको रेस्पिरेशन किसके थ्रू करना पड़ेगा, गिल्स के थ्रू करना पड़ेगा, जैसे फिशेज वगैरह करती है वैसे। अब ये बुक गिल्स क्या है, कुछ ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर जो गिल्स होती है उसकी शेप होती है बुक लाइक। ये देखिए एक्चुअल इमेज, आपको रियल इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर देखिए ऐसा लगता है कि नोटबुक के कुछ पेजेस खुले हुए हैं ऐसे, ओके। तो इसी वजह से जो है वो ऐसा लगता है कि ये नोटबुक जो है उसके पेज खुले हैं, तो इसलिए इसको बुक लाइक बोल देते हैं, तो इसीलिए इस गिल्स की शेप जो है वो बुक जैसी है, तो इसके नाम दे दिया बुक गिल्स। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट दिखा गया है बुक लंग्स। अब बुक लंग्स क्यों लिखा गया, तो ये भी देखिए एक्चुअल इमेज कुछ ऐसी होती है। अब ऐसा लग रहा ना कि कोई जो बुक है उसके पेज ऐसे खुले हुए हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक, तो इसीलिए जो है इसको नाम दे दिया जाता है क्या, बुक लंग्स। होते ये वही सारा काम करते हैं जो लंग्स काम करते हैं हमारे अंदर, बट इनकी शेप कुछ ऐसी है एक के ऊपर एक, ये ऐसा लगता है कि किसी बुक के पेज है एक के ऊपर एक रखे हुए, इसलिए को नाम दे दिया गया बुक लंग्स। और या फिर इसके अंदर होता है क्या, ट्रेकियल सिस्टम। अब ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, ऐसे पाइप सी होती है, लंग्स वगैरह कुछ नहीं होते, ऐसे पाइप होती है। यहाँ पे एक्चुअली में देखिए ये ट्रेकियल सिस्टम है, ये पाइप सी, और पाइप के थ्रू जो वो ऑक्सीजन अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाई जा रही है उसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। क्या ये आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह सारे समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। तो हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां पे हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज, ओके। ओपन वो होता है जहां पे हार्ट तो होता है बट आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज वगैरह वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, इसी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे सर्कुलेट करता रहता है, और जो भी वाइटल ऑर्गन्स वगैरह वो उसी ब्लड के अंदर बात होते हैं, तो वो जो ब्लड जैसा भी आता है पूरी बॉडी में, ओके, उसी से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज करते हैं, ओके। बट जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, क्लोज के अंदर पूरा का पूरा ब्लड जो है वो ऐसे पाइप वेसल्स के थ्रू अंदर ही घूमेगा, यानी वहाँ पे हमें वेल डेवलप्ड आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी यहाँ पे वेल डेवलप्ड आर्टरीज ऐसा कुछ नहीं है, जो पूरा ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे घूमता रहता है। अब बात कर लेते हैं सेंसरी ऑर्गन के बारे में कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन एक तो होता है एंटीना, आपको दिखाई भी दी जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये ऊपर एंटीना, यहाँ पे बटरफ्लाई में भी ये दिखाई दे रहा है आपको एंटीना, तो ये क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन होते हैं कि एनवायरमेंट को सेंस करते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है इनका सेंसरी ऑर्गन आइज, जो आइज होती है इनके पास प्रेजेंट वो भी क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव आइज होती है, और ये आइज होती है कंपाउंड एंड सिंपल, सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती है। कंपाउंड आइज हम जो हमारा कॉकरोच होता है उसके अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो है वो छोटे 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 जो पार्ट्स होते हैं वो मिलकर बनते हैं, तो वहाँ पर इमेज जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती है, बट थोड़ा भी हलचल होती है तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि जो बहुत ही सेंसिटिव होती है आइज भी। आगे लिखा है स्टेटोसिस्ट। अब ये स्टेटोसिस्ट क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होता है एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जैसे हमारे अंदर जो ईयर होता है वो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर भी जो स्टेटोसिस्ट होता है वो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, और ये स्टेटोसिस्ट मिलता है एक्वेटिक अर्थ्रोपोडा के अंदर, जो एक्वेटिक पानी के अंदर जो अर्थ्रोपोडा रहते हैं वहाँ पर मिलता है स्टेटोसिस्ट, और जो क्या करता है बैलेंसिंग का काम करता है, और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। इसके अलावा जो यहाँ पर बाहर जो अदर एनिमल्स भी हैं, अदर अर्थ्रोपोडास भी हैं, उनके अंदर स्टेटोसिस्ट के अलावा कुछ और जो है वो बैलेंसिंग ऑर्गन मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में।
एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, तो एक्सक्रीशन जो है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, किया जाता है। जैसे हमारे अंदर किडनी वर्क करती है, सेम यहाँ पर जो है वो एक्सक्रीशन का जो काम है वो कौन करता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताना कि यहाँ पर जो फाइलम टीनोफोरा थी, प्रेटियलमंथीज, एस्कलमंथीज और एनलिडा के अंदर एक्सक्रीशन कौन करता है, कौन सी चीज़ जो है वो एक्सक्रीशन का काम करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो नीचे जरूर बताना। आगे लिखा है दे आर मोस्टली डायोइशियस, या ज़्यादातर जो अर्थ्रोपोडा होते हैं वो डायोइशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो बॉडी है वो अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, क्योंकि फाइलम ए से स्टार्ट हो रही है तो पी और ए से स्टार्ट होने वालों में लगभग जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग्स देते हैं। ओके, आगे लिखा है डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब लार्वा भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओके, ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा होता है ना सेगमेंटेड, क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, याद रखना नीट 2019 में केवल एक वर्ड से घूम जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी हम आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स भी इन्होंने फोर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वैक्टर्स, फिर है ग्रिगेरियस पेस्ट और फिर है लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल है वो फोर टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सबसे पहले देखते थे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, यानी जो कुछ इकोनॉमी के अंदर मदद कर पाए वो इंसेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया गया है एपीज हनीबी। तो एक्चुअली में देख लीजिए, हनीबी से क्या होता है कि हम हनी को प्रोड्यूस करके उसको सेल कर सकते हैं, हमारे पास इनकम जनरेट हो सकती है, तो इकोनॉमिकली है। नेक्स्ट है बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म। एक्चुअली में देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म के थ्रू जो है हम यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेसीफर, जिसे हम बोलते हैं लेक इंसेक्ट। एक्चुअली में देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या होता है कि हम लेक जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो ये तो है हमारे क्या, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है कि यहाँ पे ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि डिजीज कोज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिजीज जो स्प्रेड करने में वगैरह ऐसे काम करते हैं। तो सबसे पहले है एनोफिलीज, और सारे के सारे मॉस्किटो बताए गए हैं अलग अलग टाइप के। सबसे पहले एनोफिलीज मॉस्किटो है, एक्चुअली में देख लीजिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दी गई, तो यहाँ पे एनोफिलीज कुछ ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है क्यूलेक्स मॉस्किटो है, तो यहाँ पे क्यूलेक्स की एक्चुअली में आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है। नेक्स्ट हमारी है एडीज मॉस्किटो, एडीज भी याद रखना क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसका नाम आता है, तो एडीज मॉस्किटो की एक्चुअली में आपको दिखाई दे रही है। ये सभी क्या है, वैक्टर्स है। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट। ओके, ग्रिगेरियस पेस्ट जैसे लोकुस्टा यानी लोकस्ट, तो अभी तो आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा इस टाइम के कि लोकस्ट अटैक हो चुका है, लोकस्ट अटैक हो चुका है, यानी आपने ये हिंदी में सुना होगा टिड्डी दल आ चुका है, टिड्डी दल आ चुका है, तो ये वो है लोकस्ट। ओके, और ये क्या है, ग्रिगेरियस पेस्ट होता है। लोकस्ट की एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कुछ ऐसा होता है। एंड बिल्कुल लास्ट है लिविंग फॉसिल, यानी जिसे हम बोलते हैं लाइम्यूल्स किंग क्रैब। ओके, लिविंग फॉसिल इसको क्यों बोला जाता है, फॉसिल किसको बोला जाता है, फॉसिल उसको बोला जाता है जिसमें कई सालों तक कोई भी चेंज ना हो, कोई भी इवोल्यूशन ना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कुछ भी ना हो। ओके, यानी जैसा वो कुछ साल पहले था वैसा ही सेम अभी तक दिखाई देता है, उसके ऑर्गन वगैरह सेम वैसे ही है, तो उसको बोला जाता है फॉसिल। तो वो जो एनिमल्स अभी जो है वो लिविंग है तो उसको बोल दिया जाता है क्या, लिविंग फॉसिल, यानी उस एनिमल्स के अंदर ज़्यादा कुछ मतलब इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए बोल जाता है लिविंग फॉसिल। और ये क्या होता है, लाइम्यूल्स यानी आपका किंग क्रेब। एक्चुअल इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, कुछ ऐसा होता है। अब जो है हम यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिए हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो डायग्राम दिया गया है ये लोकस्ट का दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया ए लोकस्ट। ओके, बी बटरफ्लाई का दिया गया है, सी जो है वो स्कॉर्पियन का दिया गया है। अब देखिए स्कॉर्पियन का यहाँ पर कहीं पे भी नाम नहीं आया था, स्कॉर्पियन का यहाँ पे नाम नहीं दिया था एग्जांपल के अंदर। अगर हम यहाँ पे थ्योरी के अंदर देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी नाम नहीं है, बट इमेज देखिए इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है अलग से। ओके, प्रोन का इन्होंने कहीं पे भी नाम नहीं दिया था इन एग्जांपल के अंदर, बट यहाँ पे प्रोन की इमेज भी दी गई है, उसका नाम भी दिया गया है। तो स्कॉर्पियन और प्रोन तो यहाँ पे अलग से दिए गए हैं, बटरफ्लाई भी दिया गया, वो भी कहीं नाम नहीं दिया गया था यहाँ पर। ओके, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखना, उस एग्जाम्पल का नाम है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्योंकि इसके पीछे फिश लगता है तो हम ये सोचते हैं कि ये पिस्कस वगैरह में आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी एक्चुअल इमेज भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये है इसकी एक्चुअल इमेज जो है क्या है, सिल्वर फिश।
ओके तो यहाँ पर नीट 2013 और 16 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबसे पहले नीट 2013 के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, इनमें से कौन से ऐसे एनिमल है जो केवल एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकोस्ट, स्पंज, सी एनिमोन, स्टारफिश। ऑप्शन सी है मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो। डी दिया गया अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकोस्ट, वो तो सभी एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं अर्थ्रोपोडा से। बी है स्पंज, सी एनिमोन, स्टारफिश। स्पंज जो है वो पोरीफेरा से, स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा से। ऑप्शन सी में मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो। अमीबा जो है वो तो आ जाता है आपका किसके अंदर, जो कि आपका किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम, वहां पे आ जाता है। मॉस्किटो अर्थ्रोपोडाज में बहुत ही अलग है अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट डी में देख लीजिए अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। अर्थवर्म हमारा आता है किसके अंदर, एनलिडा के अंदर। टेपवर्म किसके अंदर आता है, ये आता है प्लेटियल मंथिस के लिए अंदर। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकोस्ट। फाइलम जो है वो कौन सी है, अर्थ्रोपोडा है। ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है नीट 2013 से, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट वो हमने बता दिया है। विच वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा इज, इनमें से कौन सा अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या फिर सिल्वर फिश। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एक और एग्जांपल याद रख लेना, वो है सिल्वर फिश। ओके और ये आ जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्योंकि इन्होंने सारे फिश 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 वाले दिए, लास्ट में फिश लिखा है सब में, तो इससे क्या हो जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तो सारे फिश वाले, अब आर्थ्रोपोडा तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा सिल्वर फिश, क्योंकि वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, वो फाइलम बिलोंग करता है किससे, आर्थ्रोपोडा से। ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नीट 2016 फेज वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के अंदर इनमें से कौन सा जो फीचर है वो नहीं प्रेजेंट होता है। पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडिसेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो पैरापोडिया जो है वो हमने इस फाइलम में कहीं नहीं पढ़ा है, आप मुझे कमेंट में बताना है किस फाइलम के अंदर होता है। जॉइंटेड अपेंडिसेस हमने पढ़ा था, इसीलिए तो नाम इसको अर्थ्रोपोडा दिया था। काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी हमने पढ़ा था, मैंने ये भी पूछा था कि काइटिन कौन सी और किंगडम में आता है। नेक्स्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने कहा था सेगमेंटेशन याद रखना, नीट 2019 में भी आएगा और मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे भी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पैरापोडिया, पैरापोडिया यहाँ पर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारी फाइलम को स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारी फाइलम मोलुस्का। ओके यहाँ पे लिखा है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइलम तो थी हमारी कौन सी, अर्थ्रोपोडा, बट उसके बाद सबसे ज्यादा एनिमल्स तो मिलते हैं फाइलम अर्थ्रोपोडा से, सेकंड की बात करें तो वो मिल जाते हैं मोलुस्का फाइलम से, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलुस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मेराइन और फ्रेश, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे मोलुस्का है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी आपको जमीन पर भी मिल जाएंगे, लैंड पर भी मिल जाएंगे, और एक्वेटिक मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकते हैं। एक्वेटिक के अंदर मिलेंगे तो मेराइन में भी मिल जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसा सेम था अर्थ्रोपोडा के अंदर। आगे लिखा है दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, तो यहाँ पर भी क्या है बाइलेटरल सिमेट्री है जैसे सेम पीछे वाले में थी। ओके ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे सेम थी, सिलोमेट जैसे सेम थी, तो अर्थ्रोपोडा में ये सारी चीजें लगभग सेम है। आगे लिखा हुआ है बॉडी इज कवर्ड बाय ए कल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि इसके थोड़े से यूनिक फीचर है। इन्होंने लिखा है बॉडी कवर्ड बाय कल्केरियस सेल्स। ओके तो यहाँ पे जो बॉडी होती है उसमें एक सेल होता है बाहर, कल्केरियस सेल उसको बोल सकते हो, वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये जो पिल्ला का एग्जांपल दिया इन्होंने और इमेज दिए, तो यहाँ पे देखिए जो आपको बाहर कवरिंग दिखाई दे रही है वो कल्केरियस सेल है, थोड़ा सा हार्ड है। ओके आगे इन्होंने बोला है बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, अर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट थे, सेगमेंटेड थी, बट यहाँ पर बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी सेगमेंट नहीं मिलता है, अनसेगमेंटेड है। नीट 2019 में से एक वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके अभी हम बात करेंगे विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। यहाँ पे एक तो होता है हेड, एक होते हैं मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जैसे हमारे फुट के अंदर बोन्स वगैरह है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल और केवल जो फुट है उसके अंदर केवल और केवल मसल्स होती है, यानी बहुत ही मसल से ही बना होता है वो पूरा का पूरा। ओके और विसरल हम्प होता है, मतलब ऐसे ऊपर जो है वो थोड़ा सा हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में ये देखिए आपके यहाँ पे लिखा है विसरल मास, तो वो विसरल मास कुछ नहीं है,
वो क्या है, विसरल हम्प है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके आगे देख लेते हैं, ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब ये जो विसरल हम्प होता है ना, उसके ऊपर फिर से एक जो है वो सॉफ्ट स्किन की लेयर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है स्किन की। ये जो क्या होता है, जो विसरल हम्प होता है, इसके बाहर ओके बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी स्किन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं फॉर्म ए मेंटल, और वो क्या बना लेती है, मेंटल बना लेती है ओवर द विसरल हम्प। यानी जो विसरल मास या विसरल हम्प है उसके बाहर से स्किन होती है सॉफ्ट और स्पंजी, वो पूरी कवरिंग कर लेती है। ओके अब क्या होता है, देखिए आगे, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। तो वो जो बीच में स्पेस रह जाता है, एक तो हमारा हम्प हो गया ओके, जो विसरल हम्प था या विसरल मास था ओके, और ऊपर ही ऊपर क्या हो गया, उसके बाहर जो स्किन सॉफ्ट जो है वो मेंटल हो गई। तो अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। इनके बीच में जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फीदर लाइक होते हैं ओके, जैसे फीदर्स होते हैं ना कुछ वैसे, उस टाइप के जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, फाइलम मोलुस्का ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओके। अब आगे इन्होंने लिखा है दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो है वो एक्सक्रीशन के लिए अलग से पढ़ा था हमने अर्थ्रोपोडा के अंदर ओके, मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स बारे में, और रेस्पिरेशन के लिए अलग से पढ़ा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो सारा काम है चाहे वो रेस्पिरेशन का एक्सक्रीशन का, दोनों के दोनों कौन करते हैं, ये फीदर लाइक गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में वही परफॉर्म करते हैं ओके। आगे इन्होंने लिखा है द एंटीरियर हेड रीजन हैज ए सेंसरी टेंटाकल्स। जो बिल्कुल आगे वाला हेड जो रीजन होता है उसके पास होते हैं सेंसरी टेंटाकल्स, जो कि सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, जैसे अर्थ्रोपोडा के अंदर थे ना कि वहां पे एंटीना थी, आईज थी, स्टेटोसिस्ट वगैरह थे, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि एंटीरियर जो रीजन होता है हेड का, जो आगे वाला रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट क्या होते हैं, सेंसरी टेंटाकल्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को। उसके आगे लिखा है द माउथ कंटेंट्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला ओके। और जो माउथ होता है वहां पर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है ओके, और उसी से वो खाना खाते हैं जो फीडिंग के लिए होता है, जिसको बोला जाता है रेडुला। तो रेडुला कहाँ पे प्रेजेंट है, मोलुस्का के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है ओके। और ये किसके अंदर होता है, मोलुस्का के अंदर, और फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होता है। एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कुछ कुछ ऐसा वो दिखाई देता है ओके। अब हम यहाँ पे दो इमेज दी हुई है मोलुस्का वालों की, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल ऑफ मोलुस्का पिल्ला और ऑक्टोपस। ये जो इमेज दी गई है वो पिल्ला की दी गई है, ये वाली जो इमेज दी गई है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो आपने कहीं ना कहीं टीवी वगैरह कहीं ना कहीं देखा ही होगा ओके। और ये जो दी गई है वो क्या दी गई है, पिल्ला की इमेज दी गई है। ये दोनों के दोनों किसके हैं, मोलुस्का के हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं, और कुछ और लिखा है वो भी एक बार देख लेते हैं, मोलुस्का फाइलम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है दे आर यूजुअली डायोइशियस, सेम डायोइशियस है जैसे अर्थ्रोपोडा थे, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी के अंदर होंगे, ओवीपेरस होंगे सेम वैसे ही जैसे कि अर्थ्रोपोडा के अंदर थे, वो भी मोस्टली ओवीपेरस थे, बट यहाँ पे ये भी यूजुअली ओवीपेरस ही होते हैं ओके, यानी एग्स देते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अर्थ्रोपोडा के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों थी, बट यहाँ पे केवल और केवल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ओके, ये चीज आप याद रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, काफी एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। सबसे पहला है पिल्ला एप्पल स्नेल। पिल्ला एप्पल स्नेल जो है उसकी अभी हमने जो एनसीईआरटी के अंदर इमेज दी थी वो तो देख चुके हैं, बट एक्चुअल इमेज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ ऐसा होता है पिल्ला एप्पल स्नेल ओके। नेक्स्ट हमारा पिंक टाडा, यानी जिसे हम बोलते हैं पर्ल ओस्टर। ये पिंक टाडा जिसे हम बोलते हैं पर्ल ओस्टर बोला जाता है, तो उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेपिया की, और ये है कटल फिश। कटल फिश जो है वो नीट 2013 में जहाँ पे सिल्वर फिश देखा था तो वहां पे आया था ना कटल फिश। अब ये भी फिश जो नाम होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। लास्ट में फिश लगा हुआ है हम सोचते हैं वो पिस्कस के अंदर ही मिलेगा, बट जो आपका सेपिया कटल फिश लिखा हुआ है, और ये कटल फिश जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, मोलुस्का फाइलम के अंदर प्रेजेंट है ओके। एक्चुअल इमेज आप देख चुके। नेक्स्ट हमारा लोलिगो यानी स्क्विड ओके। लोलिगो स्क्विड की अभी आप एक्चुअल इमेज देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्टोपस जिसे हम बोलते हैं डेविल फिश। अब देखिए यहाँ पे भी फिश लगा हुआ है ओके। तुम मेरे आगे मैं तुम्हारे पीछे, टू मच फन, ऐसा नहीं है डेविल। तो यहाँ पे देखिए डेविल फिश,
तो यहाँ पे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है एक्चुअली में, आप देख चुके हो, इसको डेविल फिश भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एप्लाइसिया, जिसे हम बोलते हैं सी हेयर। एप्लाइसिया को क्या बोला जाता है? सी हेयर। इसकी भी एक्चुअली में देख लीजिए, आपके ये सामने है। नेक्स्ट हमारा है डेंटेलम। डेंटेलम को बोला जाता है क्या? टस्क शेल। तो डेंटेलम की जो भी एक्चुअल इमेज है वो भी आपको दिखाई दी जाएगी, कुछ ऐसा होता है। ओके और नेक्स्ट ही नेक्स्ट जो बिल्कुल लास्ट हमारा एग्जांपल है फाइलम मोलुस्का का, वो है कीटोप्लूरिया, जिसे हम बोलते हैं काइटन, कीटोप्लूरिया। तो उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी, आप देख सकते हो। ओके अब यहाँ से जो है वो आया हुआ है नीट 2019 के अंदर, मैच द कॉलम क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैच द कॉलम, कॉलम वन और कॉलम टू, कॉलम वन में दिया गया पिल्ला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्राकिया, टीनिया, और इधर दिया गया कॉलम टू में फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेक्स, रेडुला, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो अपने अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा और ये देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पिल्ला एप्पल स्नेल। तो पिल्ला जो वो अभी हमने पढ़ा मोलुस्का फाइलम, और उसके अंदर होता है रेडुला प्रेजेंट, मैंने बताया था माउथ लाइक रेडुला होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स हमने अभी अभी पढ़ा आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके और बॉम्बिक्स जो चला जाएगा वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लूरोब्राकिया की, उसके अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स, और टीनिया के अंदर होते हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पर अब मैच द कॉलम कर लेते हैं, तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, ऐसे हमारे पास तीन ऑप्शन है। बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे अब हमारे पास केवल ऐसा एक ही ऑप्शन बचता है। सी जो है वो कॉम्प्लेट्स बिल्कुल सही है, और डी फर्स्ट के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। यानी ये फीचर्स किसके अंदर मिलेंगे? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेस ऑल द अबव करेक्टर्स। तो ऐसा हमें बताना है जिसके अंदर ये सभी करेक्टर मिल जाए। ऑप्शन दिए गए एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, कोर्डेटा, एनेलिडा, मोलुस्का, कोर्डेटा, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अर्थ्रोपोडा हो, मोलुस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, तो ये हमें मिलेगा सब में। बायलेटरल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो चेंज होती है बायलेटरल सिमेट्री, हमें एनेलिडा के अंदर भी मिल जाती है। ओके अर्थ्रोपोडा के अंदर भी मिल जाती है, मोलुस्का में मिल जाती है, कोर्डेटा के अंदर भी मिल जाती है। नेक्स्ट है ट्रू सिलोमेट, लगभग सभी ट्रू सिलोमेट ही है विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। मैंने कहा था कि बहुत अच्छे से याद रखना अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड चीज जो थी वो किसके अंदर थी? मोलुस्का के अंदर थी। तो मोलुस्का वाले ऑप्शन हटा देते हैं ए बी सी, तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है डी। तो डी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो है वो मोलुस्का नहीं है, यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा के अंदर ये मिलेंगे। मोलुस्का के अंदर अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है, तो इसीलिए इसका ये आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट फाइलम है वो है हमारी इकाइनोडर्मेटा फाइलम। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम देख लेते हैं। दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटम ऑफ कैल्केरियस ओसिकल्स एंड हैंस नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीज। ओके फिगर 4.14। देखिए तो आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने देखा था एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर स्केलेटन होता है काइटिन का बना हुआ। इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, इनसाइड स्केलेटन होता है। किसका होता है? वो कैल्केरियस ओसिकल्स का बना होता है, और इसीलिए इसको नाम दे दिया है इकाइनोडर्मेटा। और इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? स्पाइनी बॉडी होती है, मतलब ऐसे लगता है स्पाइन्स तीखे जो होते हैं वो झुकने वाले, कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, ऐसा दिखाई देता है। अगले कहे ऑल आर मेराइन, सभी के सभी केवल और केवल मेराइन वॉटर के अंदर मिलते हैं। तो मैंने निडेरिया फाइलम के अंदर नीट 2014 का एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑप्शन है और वहाँ पे बताता जाऊँगा कि वो ऑल मेराइन लिखे हैं या फिर एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो वहाँ पे इकाइनोडर्मेटा एक ऑप्शन था, यहाँ पे देखो ऑल मेराइन लिखा है, यानी यहाँ पे केवल और केवल मोराइन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है, आपने वो वीडियो देखी, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर लिखा है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, यहाँ पे सब एक जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा सकते हो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द एडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। यानी जब लार्वा होता है बहुत ही स्टार्टिंग की स्टेज में, जब वो लार्वा होता है तब जो उसकी सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री, बट जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है रेडियल सिमेट्री के अंदर। ये एक अलग सा है
क्योंकि यहाँ पे हमने जो है अर्थ्रोपोडा बायोलेटरल पढ़ा, मोलुस्का बायोलेटरल पढ़ा, आगे भी लगभग हम बायोलेटरल पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पे जो सिमेट्री एडल्ट के अंदर तो रेडियल है, बट लार्वा के अंदर बायोलेटरल देखने को मिलती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और क्या है, सीलोमेट है। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड द एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। ओके, ये चीज आप याद रखना। देखिए यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है, और माउथ जो होता है वो, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो माउथ होता है वो तो नीचे की साइड होता है, ऐसे नीचे की साइड होता है। ओके, वेंट्रल साइड। बट जो इनका एनस होता है, जहां पे आउट होगा अनडाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ओके, उसको बोलते हैं डोर्सल साइड, कुछ ऐसा होता है। आगे लिखा था मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वॉटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। सबसे मोस्ट यूनिक फीचर इकाइनोडर्मेटा का क्या है, कि यहां पर प्रेजेंट होता है वॉटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए वॉटर कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था किस फाइलम के अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। वहां पे क्या हो रहा था कि सिर्फ छोटे छोटे पोर से वॉटर आ रहा था स्पॉन्ज से और बाहर जा रहा था, सिर्फ ऐसा चल रहा था। बट यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है वॉटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्चुअल में देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब एक जगह से आएगा फिर पूरे जगह फैल जाएगा। ओके, ऐसे लंग्स वगैरह छोटे छोटे पाइप से ऐसा पूरा वेल डेवलप्ड होता है। ये ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाया मैंने, ऑर्गेनिज्म नहीं है ये कुछ भी, ये केवल और केवल वॉटर वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब वॉटर का जो मूवमेंट होती है पूरी बॉडी के अंदर, वो उसका सिस्टम है ये। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकता है, किसके अंदर, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही पूरी मदद करता है, चाहे इनको लोकोमोशन करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कैप्चर को फूड जो है उसको कैप्चर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना हो अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उसी में भी जो मदद करेगा वो कौन करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और अगर इनको रेस्पिरेशन करना है तो वहां पे भी मदद कौन करेगा, केवल और केवल वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही मदद करेगा। ओके, आगे लिखा है एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि पूरी तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सब कुछ काम कर देता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सेक्स इज सेपरेट है, यानी डायोसिस है, मेल अलग और फीमेल अलग है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल देखने को मिलता है पूरी तरह से, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, क्योंकि ए या फिर पी से ये फाइलम स्टार्ट नहीं होती, ई से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये जो फाइलम के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो ज्यादातर कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओके, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इकाइनोडर्मेटा में भी देखने को मिल रही थी। ओके, और जो हमारा आर्थ्रोपोडा था वहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों देखने को मिल रही थी। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया एस्टेरियस यानी स्टारफिश, आपने ये नाम तो काफ़ी सुना होगा स्टारफिश, बट एक्चुअल इमेज देख लीजिए कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा इकाइनस जिसे बोलते हैं सी अर्चिन, इकाइनस देख लीजिए सी अर्चिन कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है एंटीडोन यानी जिसे बोलते हैं हम सी लिली, तो सी लिली की एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे कुकुमेरिया जिसे हम बोलते हैं सी कुकुम्बर, ये भी आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कुछ ऐसा होता है। और नेक्स्ट लास्ट बिल्कुल ऑफ यूरिया यानी ब्रिटल स्टार जिसको बोलते हैं, और उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एनसीईआरटी के अंदर भी दो इमेज दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। दो इमेज किस किस की दी हुई है, सबसे पहले इन्होंने दी है एस्टेरियस यानी स्टारफिश कुछ ऐसा, और नेक्स्ट है ऑफ्यूरी यानी ब्रिटल स्टार, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो स्टारफिश और ब्रिटल स्टार के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा इन इमेज के अंदर भी। ओके ओके, तो अब जो है बिल्कुल लास्ट फाइलम देख लेते हैं, वो है हमारी फाइलम हेमिकोडेटा। तो यहाँ पे लिखा है हेमिकोडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइला अंडर द फाइलम कोडेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेटा। यानी ये जो पहले ये जो फाइलम होती थी वो एक सब फाइलम होती थी, किसके अंदर होती थी, ये होती थी कोडेटा के अंदर, बट अब इसको बाहर निकाल दिया गया और फाइलम अलग से बना दिया गया हेमिकोडेटा। ऐसा क्यों किया गया, पहले ये कोडेटा में किस फीचर की वजह से थी, क्योंकि यहाँ पर होते थे फेरिंग्स विद गिल स्लिट। कोडेटा के अंदर एक जो है एक फीचर होता है फेरिंग्स विद गिल स्लिट, वो नॉन कोडेट्स में नहीं मिलता है, बट इसके अंदर जो वो फेरिंग्स जो वो गिल स्लिट के साथ मिलते थे, तो इसीलिए इसे कोडेटा फाइलम के अंदर रखा गया था।
बट एक मेन फीचर जो कोडेटा के अंदर होता है वो नहीं था, वो था नोटो कोड। नोटो कोड यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए फिर इसको बाद में बाहर निकाला गया। बट इसके पास फेरिंग्स विद गिल स्लिट थे। आगे लिखा है हेमी कोडेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमो कोड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटो कोड। नोटो कोड जैसा एक स्ट्रक्चर था जिसे हम बोलते हैं स्टोमो कोड। ओके, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था वो। ओके, और कोलर रीजन के अंदर था। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे हमने बात की थी अर्थ्रोपोडा के अंदर हेड थोरेक्स एब्डोमेन यहाँ पे भी होते हैं, प्रोबोसिस कोलर और ट्रंक ऐसा होता है वो। ओके, तो यहाँ पे जो कोलर रीजन था उसके अंदर मिलता था स्टोमो कोड, जो कि नोटो कोड जैसा था बट नोटो कोड नहीं था। इसको इसीलिए रखा गया था कि इसके पास भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे उसको उस फाइल में रखा गया, बट बाद में इसको बाहर ही निकाल दिया गया कि चलो तुम बाहर ही जाओ। ओके, आगे लिखा है द फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मेराइन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं बट मेराइन होते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्वेटिक की बात नहीं की, इन्होंने साफ साफ बोल दिया मेराइन होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो ये तो लगभग अभी चल रहा है, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दें, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन था, वो भी केवल सिमेट्री में, बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट अभी तक चल ही रहा है, ये चलता रहेगा। अगर लिखा था बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी लगभग सिलेंड्रिकल शेप की होती है, एंड इज कम्पोज ऑफ ए एंटीरियर प्रोबोस्किस, ए कोलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये इमेज दी हुई है, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है इनका तीनों पार्ट। तो ये देखिए लगभग सर्कुलर है, बेलना ग्लोसस की दिखाई है। तो ऊपर वाला ये वाला जो रीजन दिखाया गया ये क्या दिखाया गया है, प्रोबोस्किस। ये बीच वाला जो पोर्शन दिखाया गया ये कोलर, और लास्ट वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ट्रंक, ये थोड़ा सा लॉन्ग ऐसे होता है। तो ऐसे थ्री जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड होती है इनकी बॉडी। आगे इन्होंने लिखा है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थ्रोपोडा में भी ओपन टाइप था, यहाँ पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है वो गिल्स की तरह होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक में मिलते हैं पूरी तरह, वो भी कौन सा, मेराइन के अंदर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं वो करते हैं प्रोबोस्किस ग्लैंड होते हैं, जो प्रोबोस्किस रीजन के अंदर कुछ प्रोबोस्किस ग्लैंड होते हैं वो काम करते हैं किसका, एक्सक्रीशन का। अगर हम बात करें सेक्सेस की तो वो सेपरेट है, यानी डायोशियस है, मेल और फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्योंकि पी और ए से फाइलम स्टार्ट नहीं होती, एच से स्टार्ट होती है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल ही मिलेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, वो इकाइनोडर्मेटा में भी था, मोलुस्का के अंदर भी था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेलना ग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। तो ग्लोसस जो वर्ड आ जाए वो हेमिकोडेटा वाले हैं, चाहे बेलना ग्लोसस आ जाए चाहे सेकोग्लोसस। बेलना ग्लोसस की आप इमेज यहाँ पर देख चुके हैं, एक्चुअल इमेज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, एंड सेकोग्लोसस उसकी भी एक्चुअल इमेज आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, और ये जो फर्टिलाइजेशन था हमारा एक्सटर्नल इंटरनल, ये केवल इसी फाइलम तक था, आगे उसमें क्लासेस वगैरह आ जाती है तो चेंज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन वाला वो एक्सटर्नल इंटरनल वाला पी ए से फाइलम हो, हेमिकोडेटा तक ही याद रखना। ओके, कोडेटा के अंदर वो सब ऑप्शन मत लगाना, पी और ए से स्टार्ट हो रही है तो इंटरनल मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए अलग है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रह जाता है जो कि नीट 2017 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट इज, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पहले हेमिकोडेट और कोडेट एक दूसरे में सेम होता है। तो मैंने आपको जब एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बताया था कि ये फाइलम जो है हेमिकोडेटा पहले कोडेटा की सब फाइलम होती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेरिंग्स विद गिल स्लिट वाला जो है वो करेक्टर होता था, बट बाद में इसको बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट एंड एब्सेंस ऑफ नोटो कोड। तो हमारा वो करेक्टर जो बिल्कुल दोनों में सेम होता है हेमिकोडेट और कोडेट में, वो क्या है, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, इसीलिए हमारा ये आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट 2013 से 19 तक के, वो सभी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही।